हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो अभी तक आप मेरे से जुड़े हुए हो और इतनी पूरी बर्नौली प्रिंसिपल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जो मैंने स्टार्ट किया था, वो पहला स्टार्टिंग हमारा था फ्लूइड जो ब्रेस्ट में हो तो उसके लिए, मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने बात की थी। और हाइड्रोस्टैटिक्स को आपने अच्छे से समझा, वहां पे पूरी तरह से हमने डिटेल में बात की। और वन बाय वन मैं एक सीरीज यहाँ पे बना के आपको दिखाया है, तो अगर आपने स्टार्टिंग से देखी होगी सीरीज को तो यहाँ पे अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर नहीं देखी है तो अभी भी आप देखें। और मैंने इवन उस सारी चीजों को पब्लिकली किया हुआ है, आप देख सकते हो वहां पे। और इवन आप एक एक सीरीज के जो नंबर है 1, 2, 33, 34, 35 अप टू जहां तक भी अभी तक ये सीरीज बनेगी वो मैं आपको बनाऊंगा। तो अगर आप सारे इस पार्ट को अगर अच्छे से देखते हो तो मुझे लगता है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं रह जाएगी। इवन जो आप कंपटीशन के लिए भी, अगर जो भी बच्चे हमारे लिए साथ जुड़े हुए हैं कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगा, एक एक बेसिक चीजों को लेके, बेसिक टू एंड, मतलब स्टार्टिंग टू टिप टू टॉप, तो वो सारे पार्ट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी हो रहे हैं आपके। अब सारी चीजों को यहाँ पे मैं आपको साथ शेयर करूंगा। इवन मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए ये सीरीज को देख के, बहुत सारे बच्चों ने एक अपना एक पॉजिटिव फीडबैक भी दिया। इवन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी पार्ट्स आए जिसको कि जिसमें उनकी कुछ अपनी डाउट्स थे, अपने प्रॉब्लम्स थे, वो भी उन्होंने शेयर किया हुआ है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आप भी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस लगातार देख रहे हैं, जिन्होंने पूरी सीरीज देखी है, तो वो भी अपने जो कमेंट्स हैं, जो फीडबैक हैं, जो सारी चीजें हैं उसको मेंशन करो। और साथ ही साथ जो डाउट्स हैं, इवन डाउट्स को भी आप वहां पे शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी कोई भी डाउट्स यहाँ ना रह जाए। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी वीडियोज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जो आपके डाउट्स भी हो सकते हैं, तो वो सबको मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। लेकिन इसके लिए आपकी जरूरत है कि आप अपने से इस चीज को किस तरह से देख रहे हो और कितना आप पॉजिटिव ले रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होगा। तो फिलहाल मैं आपके साथ अभी जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, वो है हमारा यहाँ पे बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम फ्लूइड डायनेमिक्स का ही पार्ट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ही इसको भी स्टडी किया जाता है। और इसमें, जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बताई थी, तीन चीजों का मैंने जिक्र किया था। एक था प्रेशर एनर्जी का, दूसरी थी काइनेटिक एनर्जी की, और तीसरी थी पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तीनों का जिक्र किया था, क्योंकि बर्नौली ने बोला था इन तीनों का सम है ना, बर्नौली स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इस सब का सम पर यूनिट वॉल्यूम के से देखा जाए ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड आपको पता है जो नॉन विस्कस होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, जो प्रॉपर्टी होती है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो के ड्यूरेशन में इन सब का जो सम होगा पर यूनिट वॉल्यूम आइडियल फ्लूइड के लिए, वो कॉन्स्टेंट होती है। सिर्फ इसको इसने बताया था, मैथमेटिकली भी इसके बारे में इन्होंने बताया था, वो क्या था उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैथमेटिकली आप इस चीज को, बर्नौली थ्योरम को मेंशन कर सकते हो कि प्रेशर एनर्जी, और ये आपकी प्रेशर एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी है। तो पर यूनिट वॉल्यूम को ही दिखा रहा है, इसलिए डेंसिटी यहाँ पे ली हुई है। अगर आप डेंसिटी की जगह पे सीधा मास अपॉन वॉल्यूम लिखते तो फिर आप पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बोलते। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये पर यूनिट वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। और ये सब का जो सम है, देखो आप सब में आपने सम, मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस सब के सम को आपने क्या किया है, कांस्टेंट दिखाया हुआ है। मैथमेटिकली वी कैन राइट बर्नौली थ्योरम। तो ये बर्नौली थ्योरम तो हो गया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं। देखिए, इंपॉर्टेंस जो है इस थ्योरम की है कि ये लाइज इन द फैक्ट दैट इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वेरिएशन ऑफ प्रेशर। चूंकि वेरिएशन, प्रेशर में वेरिएशन कब आएगी, जब पाइप की विड्थ जो है, तो कोई पाइप जैसे मान लो कि यहाँ पे इसकी विड्थ ज्यादा है और आगे चल के ये पाइप की विड्थ थोड़ी कम हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे प्रेशर कुछ और होगा और इस जगह का प्रेशर कुछ और होगा। तो ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है किसको, प्रेशर के वेरिएशन को। प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा लिक्विड का, लिक्विड में,
एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, और प्रेशर का किसमें फंक्शन के फॉर्म में, तो वेलोसिटी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे वेलोसिटी v1 हो, इस जगह पे वेलोसिटी v2 हो, एंड द एलिवेशन ऑफ द पाइप, पाइप यहाँ पे जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल पाइप दिखाया है, तो हो सकता है पाइप कुछ इस तरह का भी हो, क्योंकि इस तरह के पाइप में भी हम लोग इसको देखते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है, जो कि हमें लिक्विड जब फ्लो होती है किसी पाइप में, तो वो तीन तरह की एनर्जी, और तीनों तरह की एनर्जी में वेरिएशन, जो उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन होती है, जो उसके प्रेशर में वेरिएशन होता है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कारण होता है, और एलिवेशन, पाइप अगर कुछ एंगल्स हैं, इंक्लाइन है, तो उसमें जो चेंजेस आता है, तो ये चीज को हम लोग देखते हुए करते हैं। देखिए प्रूफ ऑफ बर्नौली थ्योरम में आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको किसका इस्तेमाल करना होगा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का, और वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमने वर्क पावर एनर्जी में स्टडी किया हुआ ही है, तो यहाँ पे हमें इस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। इस थ्योरम के बेसिस पे आप ये समझ सकते हो कि जब कोई लिक्विड एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फ्लो करती है, मान लो लिक्विड का फ्लो करना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे जाके इस तरह से फ्लो करती है, तो ऐसे हाल में ये क्या होता है, इसमें चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीजों में चेंजेस आती हैं। बहुत सारी चीजों कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंजेस आते हैं, बाकी सारी चीजें उसी में आ जाती हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी में इसमें चेंजेस आता है। और यहाँ पे जो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो लिक्विड के लिए लगा रहे हो, और वो पॉइंट मैं बताऊंगा कि पॉइंट वन से पॉइंट टू के लिए, आप देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट वन मेंशन किया हुआ है, तो पॉइंट वन पे और पॉइंट टू पे दोनों के पॉइंट को देखते हुए हमें यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मान लो कि इस पाइप से होके एक आइडियल फ्लूइड जो है ये इस तरह से फ्लो कर रहा है कि इस एलिवेशन में, यहाँ पे पाइप की जो एलिवेशन है इसमें भी ये इसकी फ्लो हो रही है, और इवन इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दोनों ही साइड की, मतलब वन वन डैश की और टू टू डैश की, दोनों ही तरफ की क्रॉस सेक्शनल एरिया भी जो है वो अलग अलग है, और इस दोनों में जो फ्लो हो रही है लिक्विड वो शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि यहां से यहां तक आने में लिक्विड को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो हो रही है ना। तो हमें वन डैश और टू डैश और वन और टू के बारे में यहाँ पे पहले से डिसाइड करना है कि क्या इसमें फ्लो हो रही है, किस तरह से लिक्विड की फ्लो हो रही है। आप ये भी कंसीडर कर लो कि इस जगह पे लिक्विड का प्रेशर जो है वो P1 है, इस तरफ लिक्विड का प्रेशर जो है यहाँ पे ये P2 है, क्योंकि प्रेशर की डिफरेंस होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, प्रेशर अलग अलग होगा। तो अभी किस जगह प्रेशर ज्यादा है, किस जगह कम है, इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मान लो कि इस जगह पे प्रेशर P1 है, इस जगह पे प्रेशर मैंने P2 दे दिया, ठीक है, तो वन वन वाले पॉइंट पे प्रेशर P1 है और टू वाले पे प्रेशर कितना है, P2 है। तो अगर फोर्स की बात कर लें, तो अगर F1 बोलें तो F1 इक्वल टू क्या होता है, P1 इंटू A1, क्योंकि इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या बताया आपको, बोला कि मैंने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा A1 का है। उसी तरह से दूसरी तरफ इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर लें, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है हमारा, A2 का है। तो P2 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, तो P2 A2 इक्वल टू कितना होगा, ये F2 के इक्वल होगा, फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे F2, ठीक है। तो अब सारे पॉइंट्स को यहाँ पे एक एक करके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और सारे पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो आप, मैंने यहाँ सबके बारे में लिख दिया है, P1 और P2 प्रेशर एट 1 एंड 2, तो डायग्राम में भी मैं दिखाता जाता हूँ, वैसे ही V1 और V2 वेलोसिटी एट 1 एंड 2, A1 एंड A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट 1 एंड 2, इवन H1 और H2 जो हमने लास्ट में दिखाया है, ये हाइट है, हाइट कहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये H1 का ये वाला सरफेस है H1, और ये वाला है H2, तो इंक्लाइन पाइप आपने लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे दोनों अलग अलग हाइट्स भी ली हुई है हमने, कि जितने मास की लिक्विड 1 और 1 डैश के बीच आपको मिल रही है, देखना ध्यान से, ये 1 और 1 डैश के बीच जितने मास की लिक्विड आपको मिल रही है, सेम मास की लिक्विड वो 2 और 2 डैश के बीच में भी आपको मिलेगी, है ना, क्योंकि जितने समय में यहां से यहां तक लिक्विड आ रही है, 1 से 1 डैश तक आ रही है, जितना लिक्विड का फ्लो है, जितने मास अमाउंट ऑफ लिक्विड यहां से 1 से 1 डैश तक जा रही है,
सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड का मास टू और टू डैश से भी होके पास कर रहा है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, अगर याद होगा आपको। तो इस जगह पे आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो कि वॉल्यूम और बिटवीन वन वन डैश, अगर आपको वन और वन डैश के बीच की वॉल्यूम, लिक्विड की वॉल्यूम चाहिए होगी, तो एरिया ए वन इंटू डेल्टा एक्स वन, यहां से इसकी एरिया ए वन है, इस जगह पे आप देखो एरिया ए वन है और डेल्टा एक्स वन इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और इसका क्या होगा? मीटर, तो टोटल क्या हो गया? मीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम वन और वन डैश के बीच की ए वन डेल्टा एक्स वन के इक्वल होगी, जो कि आप मास, मैंने जैसे बोला मास सेम होता है, तो मास अपॉन डेंसिटी दिस वन इज इक्वल टू वॉल्यूम। सिमिलरली वॉल्यूम आप देखोगे, वॉल्यूम बिटवीन टू और टू डैश के बीच का, टू एंड टू डैश, तो ये भी क्या होगा? तो ये ए टू डेल्टा एक्स टू हो जाएगा, तो क्योंकि इस जगह की एरिया जो है आपने ए टू कंसिडर की हुई है, तो ये ए टू हो जाएगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एक्स टू है, ठीक है? तो ए टू डेल्टा एक्स टू, दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी लिक्विड की वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिकॉज डेंसिटी इज द कॉन्स्टेंट डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड इट इज इनकम्प्रेसिबल। ओके, अब तीन चीज में हमें यहां पे डिस्कस करनी है। पहला है वर्क डन पे, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपके लिए यहां पे वर्क डन पे बात करूंगा। ध्यान से देखेंगे, यहां से हमारा मेजर काम शुरू हो जाता है। तो वर्क डन, अब वर्क डन लिक्विड क्या कर रहा है? अब लिक्विड आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है ना? लिक्विड में लेफ्ट साइड के बीच का जो फोर्स है एफ वन, जो कि क्या है, एफ वन इक्वल टू पी वन इंटू ए, ये फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, और दूसरी तरफ जो है आपका फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, एफ टू, जो कि आपका क्या है, दिस वन इज इक्वल टू पी टू इंटू ए टू, ठीक है? एफ वन हो गया पी वन इंटू ए वन, है ना? लिक्विड मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट? क्योंकि आप ये बात समझोगे यहां पे, क्योंकि ये जो फोर्स है एफ वन, दिस फोर्स इज ग्रेटर देन एफ टू, तभी तो ये फोर्स इसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए ना। अगर ये कम होता तो ऊपर कैसे लिक्विड राइज करती? तो ये फोर्स क्या है, एफ वन ग्रेटर देन एफ टू, और एफ वन पे लिक्विड की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो एफ वन पे जो लिक्विड की डिस्प्लेसमेंट है आपकी, वो डेल्टा एक्स वन की है, और F2 पे लिक्विड की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो F2 पे लिक्विड की जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा X2 की, ठीक है? तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है बेटा, तो नेट वर्क डन क्या होगा? तो नेट वर्क डन यहाँ पे आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में ही, पहले वाले के लिए F1 डेल्टा X1 और F2 डेल्टा X2 दोनों के लिए हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे उस लिक्विड पे जो नेट वर्क डन हो रहा है वो देखना है हमको। तो नेट वर्क डन उस लिक्विड के लिए जो हो रहा है, दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय W, जो कि आपका देखिए F1 डेल्टा X1 माइनस F2 डेल्टा X2 होगा, ठीक है? क्योंकि नीचे वाला तो ये फोर्स ज्यादा था और ये कम था, तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो हमारा वर्क डन हो रहा है उस लिक्विड पे वो ये हो रहा है जो हमने माइनस करके निकाला है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, W इक्वल टू F1 को आप लिखोगे P1 इंटू A1 डेल्टा X1, और उसी तरह से F2 को लिखोगे P2 इंटू A2 डेल्टा X2, ये लिखोगे आप। तो अब देखो यहाँ पे जिस तरह से W इक्वल टू यहाँ पे P1 तो है ही, ठीक है? अब इस दोनों का कंबाइन A1 डेल्टा X1 को हमने क्या लिखा था? तो देखो यहाँ पे आप देखो इसके ठीक ऊपर में A2 डेल्टा X2 को भी हमने यहाँ पे लिखा है ना, तो A2 डेल्टा X2 को भी हमने लिखा है M बाय रो, और A1 डेल्टा X1 को भी हमने लिखा है M बाय रो, तो इसको आप M बाय रो कर दो, माइनस P2 इंटू M बाय रो, इसको भी M बाय रो कर दो, ठीक है? दोनों कर दिया। अब चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे कि M बाय रो कॉमन ले सकते हो, और एम बाय रो कॉमन लोगे तो कितना होगा, P1 माइनस P2 आएगा ना, तो वर्क डन आपके पास कितना आ गया,
पी वन माइनस पी टू इंटू एम बाय रो, क्लियर है? तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, आप मान लो कि आपने नीचे से जो सप्लाई दिया एम मास को सप्लाई दिया, इस पाइप से नीचे से एम मास की सप्लाई दी और ऊपर में भी सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ बेटा, एम मास की लिक्विड आपकी इंटर कर रही है और एम मास के अमाउंट की ये लिक्विड बाहर निकल रही है, सेम ही निकलेगी चाहे पाइप आपकी यहाँ पे पाइप की विड्थ ज्यादा हो चाहे यहाँ पे पाइप की विड्थ कम हो, क्योंकि ऐसा है कि जितने अमाउंट की पानी इंटर करेगी उतने ही अमाउंट की लिक्विड बाहर भी निकलेगी, कहीं पाइप उसके पानी को नहीं पिएगा, तो इसलिए सेम अमाउंट की लिक्विड होगी। और आपने देखा कि यहाँ पे जो हाइट थी, यहाँ पे जो हमने हाइट लेके आपको दिखाया था, ये एच वन था ओरिएंटल सरफेस से, और ये जो हाइट थी इसके सेंटर से, ये एच टू, सेंटर से ही हम हाइट लेते हैं, तो ये एच टू थी, एच टू हाइट थी। तो हमें अगर देखना है कि मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी आपकी, आपने जो ली रखी है ये वेलोसिटी यहाँ पे V1 है और इस जगह की वेलोसिटी कितनी है V2 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आपको देखना है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस वन इज इक्वल टू हाफ एम, और आप सोचो कि किस जगह के पाइप का फ्लो ज्यादा होगा, आप रिप्लाई करोगे। मैं डायग्राम दिखाऊं, डायग्राम फिर से दिखा रहा हूं, क्योंकि ऊपर का जो पाइप है ऊपर की विड्थ कम थी और नीचे की विड्थ ज्यादा थी, सही जवाब यहाँ पे वेलोसिटी इस ऊपर वाले में ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे पाइप पतला है और यहाँ पे वेलोसिटी पानी की बढ़ जाएगी, यहाँ पे पानी कम होगी। अच्छा एक बात और बताना है आपको, प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा, नीचे वाले इस पोर्शन पे या ऊपर वाले इस पोर्शन पे? ऊपर वाले में, मुझे पता था आपका यही आएगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि देखिए प्रेशर, अगर नीचे प्रेशर ज्यादा ना हो तो पानी को ऊपर कैसे ले जाया जाएगा? आप सोचो आपके घर में भी टैंकी टैंकी लगी हुई है, पानी वाटर टैंक लगा हुआ है, नीचे से मोटर क्या करता है पानी ऊपर भेजता है, तो नीचे प्रेशर ज्यादा है तभी तो पानी ऊपर तक लिफ्ट करता है ना, तो यहाँ पे प्रेशर नीचे की ज्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे P1 जो होगा आपका क्या होगा, ये ज्यादा होगा और P2 जो होगा वो कम होगा, तभी तो हमने जो वर्क डन निकाला था अभी हमने देखा था W इक्वल टू P1 माइनस P2 लिखा था और M बाय रो आया था जो हमारा इक्वेशन अभी हमने निकाला था, तो इसलिए मैंने इक्वेशन डिराइव करने के बाद पूछा था, मुझे लगा कि इस इक्वेशन को देख के आपको वहां पे प्रेशर का डिफरेंस पता लग गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रेशर नीचे का ज्यादा है P1 ग्रेटर देन P2, वेलोसिटी बेशक V2 ज्यादा है V1 से क्योंकि पाइप यहाँ पे पतली है, स्पीड ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा हो जाता है, तो ये ऑब्वियस ही बात है। अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी लिख रहे थे तो उस पे आते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं दूसरा जानना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की बात होती है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी मैं निकालूंगा। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mg और हाइट तो h2 ज्यादा है ऑब्वियस ही बात है, और h1 वाला छोटा है, छोटी कम हाइट है, तो mg h2 माइनस h1। ये तीन पार्ट हमने कर लिया, पहला वाला हमने वर्क डन निकाला, दूसरा हमने चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी निकाली। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी में हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, लेकिन अब जो मैं मेन पॉइंट्स यहां पे लिखने जा रहा हूं वो चीज आपको यहां पे देखना होगा, बहुत ही मार्केबल और इसका एक कह सकते हो आप एक टर्निंग पॉइंट है, इस जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं वो बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट है। मैंने क्या लिखा है, नन ऑफ द वर्क डन ऑन द लिक्विड हैज बीन यूज्ड टू ओवरकम इंटरनल फ्रिक्शन, कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि लिक्विड जो है वो ऑलरेडी नॉन विस्कस है और नॉन विस्कस लिक्विड है, इसलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहला वाला जो वर्क डन था हमारा, उसके लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला था आपको याद है, वहां पे मैंने लिखा था P1 माइनस P2 और M बाय रो, ये एक तरफ मैंने साइड में कर दिया था कॉमन लेके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आपका आ रहा है हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है आपका mg h2 माइनस h1 का। क्यों ना डिवाइड कर दिया जाए यहां पे दोनों ही तरफ, तो डिवाइडिंग बोथ साइड किस चीज से, तो m बाय रो से, m बाय रो बाय
एम बाय रो, अगर एम बाय रो से आप डिवाइड करोगे तो आप देखो यहाँ पे ये जो एम बाय रो है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास लेफ्ट साइड में बच जाएगा पी वन माइनस पी टू, और दिस वन इज इक्वल टू हाफ, है ना। अगर आप यहां पे डिवाइड कर रहे हो तो ये आ जाएगा आपका रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच टू माइनस एच वन। अब आप यहां पे एक काम करो, कलेक्ट ऑल क्वांटिटीज विथ सबस्क्रिप्ट टू, जहां जहां सबस्क्रिप्ट टू है उसको एक तरफ कलेक्ट कर लो और जहां जहां सबस्क्रिप्ट वन है उसको एक तरफ कलेक्ट कर लो। तो मैं चाहता हूं कि मैं सबस्क्रिप्ट वन वाली क्वांटिटी को एक तरफ कलेक्ट करता हूं, जैसे पी वन है तो पी वन को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया। इसमें देखो अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे हाफ रो वी वन स्क्वायर माइनस में, जो राइट साइड में माइनस में आएगा लेफ्ट साइड में वो प्लस में आ जाएगा, उसी तरह से रो जी एच वन राइट साइड में माइनस में होगा लेकिन लेफ्ट साइड में प्लस में आ जाएगा। तो रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास। सिंस वन एंड टू, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये वन और ये पूरा का पूरा पोर्शन को आप टू मान रहे हो, ये आर्बिट्री लिया गया है। तो ऐसे हाल में पी, क्योंकि प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, दिस मस्ट बी कंसीडर एज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज बर्नौली थ्योरम फॉर स्टडी नॉन विस्कस फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इसके साथ साथ लिमिटेशंस भी हैं बर्नौली थ्योरम की, जो मैं आगे अपनी वीडियोस में डिस्कस करूंगा आपके साथ। और जब लिक्विड हॉरिजॉन्टल पाइप में, यहाँ पे जैसे मैंने इंक्लाइन पाइप लिया था, हॉरिजॉन्टल पाइप में लिक्विड की फ्लो होगी तब हमारे पास किस तरह के केस हमारे सामने आएंगे, हमें किस तरह का केस यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो लगातार आप सारी सिक्वेंस देखो।